एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी का स्वागत है और स्वागत है समोसे के साथ और चाय के साथ। किस किस को समोसा पसंद है गाइस? यमी यमी टेस्टी टेस्टी समोसा। और टाइम हो रहा है और चाय को लेट हो गई, मैंने अंजना मोटिवेशनल की वीडियो बनाई थी तो टाइम ज़्यादा लग गया है। अब बज रहे हैं 5, तब अपने पास से समोसे मंगवाए हैं गाइस। और गाइस गेट खुला रह गया कर देती हूँ, घर के सबके काम हो जाते हैं ना। और आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी मॉर्निंग से, और गर्मी बहुत हो रही है और गाइस बहुत ही हल्के हल्के इस तरह से जो पतले पतले कॉटन के होते हैं ना सूट, वो पहनने को मन करता है, मतलब मोटे मोटे पहनने को बिल्कुल भी नहीं मन करता। तो आज हमारा नाश्ता हो रहा है, हमने बाहर से मंगाया है और मिठास से मंगाया है। अब मैं खाऊंगी और आपको दिखाया है समोसा। खा लीजिए समोसा। और नहीं, पैटीज भी है, अब मैंने हाफ लिए पैटीज, बस इतना ही खाऊंगी मैं। और आपको मैं आगे की जो क्लिप है उसमें मैं ये दिखाऊंगी कि बैंगन का भरता बनाया, जो बैंगन पहले काटे फिर हमने उनका भरता बनाया, जैसे कि आजकल हमारा भरता बन रहा है ना गर्मी में। यदि हम भी खड़े हो जाए ना गर्मी में तो हमारा भी भरता बन जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है। तो मतलब आज बैंगन का भरता बहुत सिंपल तरीके से बनाया, लोग तो भून के बनाते हैं, मैंने उसको छील के और उसका काट के बॉयल करके जब बनाया सिंपल तरीके से, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाया भी नहीं जा रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से सिंपल ही ठीक है, ज़्यादा वैसा ठीक भी नहीं है। हैवी खाना तो बनाया है वो आपको दिखाऊंगी। इतने भी चाय लेती हूँ और सिंपल सा खा लेती हूँ, आप वो देखिए। और जो न्यू आ रहे ना इस चैनल को ना लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, कुछ नहीं जाता, पैसे नहीं लगते लाइक के ना सब्सक्राइब के लगते, आप बस लाइक कर दीजिए, हमको खुशी होती है कमेंट से लाइक से, ठीक है। और गाइस ये हमारा मिठास से आ गया है, जो हमने सामान कुछ मंगाया था खाने का तो डिलीवरी बॉय दे के चला गया है, और इसे मैं अंदर लेके जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। और इसमें आया है एक हाथ से गाइस कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे से आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें है एक पैटीज, तो एक पैटीज़ है और ये मैंने यहाँ रख दी है, प्लेट में रख दी है निकाल के। और फिर अब आगे फिर ककोड़ रही हूँ। इसमें है ये सैंडविच, वेज वाला जो सैंडविच होता है, जो मेयोनीज वाला सैंडविच होता है ना वो ये है। और इसमें देखो गाइस ये ढोकला है और साथ में अब निकलेंगे समोसे, और ये है समोसे, और घर बैठे ही मिल जाए तो बात क्या है। और गाइस ये रात का है, मैंने एक दिन पहले ही बैंगन काट लिए थे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं इतना मतलब समय नहीं दे पाती। ऐसे भिंडी हो गए और भुरते के लिए बैंगन हो गए, ये सब पहले ही काट लेती हूँ, जो कटिंग का होता है वो मैंने जो उनकी बैंगनों की खाल उतार ली है गाइस, और ये छील लिए हैं और फिर इनको छोटे छोटे क्यूब में काट दिया है। और अब ये मॉर्निंग का समय है, देखो गाइस मैंने उठते ही दही को देखा तो दही कैसी लच्छेदार जमी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही देखने में खूबसूरत और गाढ़ी दही जमी है। और गाइस अब इसमें मैं केवल नमक डाल दूंगी और हल्दी डाल दूंगी और बॉयल करने के लिए रख देंगे हम इसको कि ये बॉयल हो जाए, उसके बाद मैं फिर और काम करेंगे। और अब हम इसको कुकर को बंद कर दिया है और यहाँ हम इस पे गैस पे रख देते हैं। और गाइस गैस जलाना ना भूलें, और अब मैं गैस जला देती हूँ और देखो गैस जल गई है, आपको दिखा दिया है, सोचे कि ऐसे ही भरता बन जाएगा, ऐसे नहीं भरता बनता, पहले गैस जलानी पड़ती है। और देखो गाइस ये बॉयल हो गए हैं और देखो कितने पूरा कुकर भरा हुआ था, अब कितने थोड़े से निकले हैं, बहुत थोड़े से निकले हैं, लेकिन अभी ग्रेवी वगैरह डलेगी ना तो फिर कम ज़्यादा हो जाएंगे। और देखिए गाइस ये मैंने मैशर से इसको मैश कर लिया है इस तरीके से, मैं सिंपल वे में तो ऐसे ही बनाती हूँ, भूनती नहीं हूँ गाइस, और ऐसे ही काट के छील के बना लेती हूँ। और इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद में फिर इसमें हम छौंका लगाएंगे टमाटर और प्याज का। और इसी बीच में हमारा ये दूध भी आ गया है, मैंने कहा कि तुम दूध ले लो तो ये दूध लेके आए, तो सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि मॉर्निंग में फिर मैं ऐसे इस करे के थैली को खोल रही हूँ, जितना मंगाना होता है, कभी 3 मंगा लेते हैं कभी 4 मंगा लेते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना हम दूध ले लेते हैं क्योंकि मेम्बर भी हम 4 ही हैं। तो इसके बाद में हमने कढ़ाई रख दी है और
तेल जो है वो गरम हो चुका है, हमने जीरे को डाल दिया है और साथ में हम डालेंगे हींग, और एक हाथ में है हमारे मोबाइल, और हमने जो प्याज चॉप कर ली थी इसमें हमने लहसुन भी चॉप कर लिया था, छोटा छोटा सा बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े काट लिए थे, और इसको फिर हम भुनेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें सूखा धनिया, क्योंकि सूखा धनिया और प्याज जब मिक्स होते तो उससे ही अच्छा ग्रेवी आती है, और सूखे धनिया का जो इसका मेल होता है बहुत अच्छा लगता है, हैवी बनाता है, ग्रेवी को हैवी बनाता है और टेस्टी भी लगता है। और इधर ये भुरते का भरता बन चुका है, और ये भी हमारी प्याज भुनने वाली है, इसमें हमने देगी मिर्च डाल दी और प्याज भुन चुकी है। और अब डालेंगे हम टमाटर की ग्रेवी, और टमाटर को भूनेंगे और पकाएंगे, और इसके बाद में धीरे धीरे पकाते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए इसने छोड़ दिया है तेल टमाटर ने, जो प्याज था जो ग्रेवी में, अब हमने ये भुरता डाल दिया है, अब इसको फिर पकाएंगे, पकाने का ही काम है। और गाइस, और हम इस गर्मी में खुद ही पक रहे हैं, पर क्या करें, खाना तो पकाना पड़ेगा ना, तो देखो इसे पका रहे हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है और टेस्टी रखने के लिए। और ये देखो अब हमारा पक चुका है, कि बहुत देर हो चुकी है, देखिए ऑयल अलग हो गया है, इस तरीके से खूब पका रहे हैं, खूब पका रहे हैं, और ये हमारा भरता तैयार है गाइस, ज़्यादा है और बहुत टेस्टी लगता है, और साथ में जो छाछ हो जाए ना, तो जो घर की जो दही जमाते हैं ना, तो उससे तो और ज़्यादा अच्छा छाछ लगता है। और मैं लाइट चला देती हूँ, कम रोशनी हो रही है, थोड़ी किचन भी क्लीन करूँगी, अभी तो काम बहुत है, कपड़े भी संगवाऊँगी, कपड़ों का ढेर पड़ा है, प्रेस के लिए भी कपड़े जाएंगे, और लेडीज़ को तो देखो सारा दिन बहुत ही काम रहता है, पर यह है कि मेड आ रही है तो बर्तनों का फ़ायदा हो रहा है, कि बर्तन मंज रहे हैं, इसका इतना फ़ायदा हो रहा है। और आज समोसा बहुत टेस्टी लगा, पैटीज़ लगा, हाफ ही पैटीज़ खाई मैंने, और आप भरता भी बहुत यम्मी लगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा, और छाछ के साथ ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। और भाग आपको दिखाती हूँ मैं, और गाइस कितनी गर्मी, कितनी धूप तपन, ऐसी पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बताओ। और जब आंधी आएगी तो बहुत सारी आंधी आ जाएगी, देखना जरा आसमान भी साफ है, कल तो बारिश का सा मौसम हो गया था, लेकिन अब तो लग भी नहीं रहा कि बारिश होगी, देखो जब होगी जब देखी जाएगी। और मैं इसी ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा, मैं ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।